केदारनाथ धाम में साल 2008 की तुलना में इस साल दुगने तीर्थयात्री यात्रा के लिए पहुंचे हैं। इस साल अब तक 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा भोले के दर्शन किए। न्यूज स्टेट संवाददाता राहुल डबास ने सेक्टर मजिस्ट्रेट और ऑब्जर्वर से खास बातचीत भी की। सरकार की कोशिश है कि केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा सीजन में जितनी हो सके उतनी सुविधाएं दी जाए। सेक्टर मजिस्ट्रेट हमारे साथ बात करने के लिए, सर आपसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और कैसी सुविधाएं दी जाए। मेरा नाम मोहन बटोला है, यहाँ पे मैं सेक्टर ऑफिसर के रूप में आया हूँ। यहाँ पे हमारे यात्रियों को ठहरने के लिए GNMN के कैंप्स हैं, कुछ यहाँ पे जो दिख रहा है आपको और कुछ आगे किलोमीटर नीचे बेस कैंप में है। लगभग हम वन नाइट को 4,000 से 5,000 लगभग यात्री को रुकने की यहाँ पे व्यवस्था है। GMVM की बात करें तो क्या ऑनलाइन बुकिंग होती है, कितना प्राइस पड़ता है पर नाइट की बात करें और कितने श्रद्धालु इस सीज़न में अभी तक रुक पाए? और GMVM की बात करें तो यहाँ पे इनका ऑनलाइन बुकिंग की सुविधाएं हैं, पूरी ऑनलाइन सुविधाएं हैं, कॉटेज हैं, VIPs कॉटेज हैं, पूरी ऑनलाइन बुकिंग होती है यहाँ पे और लगभग 1 करोड़ के लगभग यहाँ पे यात्री पहुँच चुके हैं इस बार। पिछली बार की तुलना में बात करते हो कितने ज्यादा? सॉरी, 9 लाख के लगभग यात्री रुक चुके हैं यहाँ पे। पिछली बार की तुलना करते हो कितना ज्यादा? लगभग सीधे दुगना हुआ है इस बार, क्योंकि इस बार जो शुरू में मोदी जी द्वारा इसका वो किया गया था उससे यात्रियाँ दुगने हो गए हैं। प्लानिंग की बात करें तो हमारे साथ ऑब्जर्वर भी हैं, सर आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और किस तरह की प्लानिंग है केदारनाथ की डेवलपमेंट। मेरा नाम सुबोध सिंह है, मैं यहाँ पे जो है परीक्षण अधिकारी के रूप में आया हूँ और जो हमारा रिवर के और जितना यहाँ का डेवलपमेंट है मास्टर प्लान बनाया हुआ है DM साहब की तरह, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है डेली की डेली और आप देख ही रहे हैं किस विषम परिस्थिति में हम यहाँ काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी श्रद्धालु आए, बड़ी से बड़ी संख्या में, पिछली बार से दुगनी संख्या हो गई है, उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो और साथ में विकास का कार्य ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की जा रही है और वो भी ऐसी विषम परिस्थितियों में जब दिन का तापमान 0 के आसपास हो जाता है, रात का माइनस चला जाता है और कुछ ही दिनों के बाद जब हम यहाँ मौजूद हैं, कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर बर्फबारी भी हो सकती है, बर्फबारी में काम करना और मुश्किल हो जाता है। तो यात्रियों को सुविधाएं मिले, केदारनाथ घाटी का विकास किया जाए, ये कोशिश सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ 8 केदारनाथ।